नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं, जी हां, रोहतक लोकसभा का एक बड़ा गांव है, यह है बेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है डाबोदा गांव। हमारे साथ बुजुर्ग हैं गांव के, डाबोदा के, उनके जानने चाहेंगे उनके विचार, रोहतक लोकसभा में वो किसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। ताऊ राम राम। ताऊ, कौन होना चाहिए सांसद आपके यहाँ से? अच्छा, वोट डालते हो? हाँ। कांग्रेस की, बीजेपी की, चौटाला की? बाड़ा का डाल लेंगे, हमने दिखा ना डाल। किसकी वोट देना पसंद करो हो? बाड़ देंगे, उनकी दी जाएगी। अच्छा, आप अपनी मर्जी से नहीं दोगे? ना। तो राम राम। राम राम। राम राम। कौन बढ़िया है, कांग्रेस, बीजेपी, चौटाला? हमने सारे बढ़िया हैं। वोट किसकी दोगे? वोट टाइम आओगा जो दे जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुखबीर। सुखबीर जी, किसको पसंद करते हो, कांग्रेस, बीजेपी, चौटाला या कोई और? भाई कांग्रेस भी ठीक से, मोदी भी ठीक से, फिलहाल मोदी की लहर, मोदी करने झुकाव है, मोदी की। मोदी ने देश के बारे में बहुत बढ़िया सोचा है। हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत अच्छे काम किए, मोदी ने तो सत्यानाश कर दिया हरियाणा का। अच्छा जी। हाँ जी, तो आपकी वोट किसको जाएगी? दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा को। हाँ जी 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 जी। 80% गांव हमारा दीपेंद्र हुड्डा को गिर रहा है। कितनी वोट आपके गांव में? हमारे गांव में 3,500। 3,500 वोट, 80% वोट जाएंगे। 80% दीपेंद्र हुड्डा को। हाँ जी। अच्छा, क्या खास बात है? खास बात ये, दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे इलाके में बहुत विकास कराए हैं, अच्छे काम किए हैं। इन्होंने तो यहाँ गदर मचवा दिया, गोलियां चलवा दी, बीजेपी ने बहुत गलत काम किए। जी जी। आप दोस्त युवा हैं, वोट है आपकी? हाँ। पहली बार डालोगे? पहली बार। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। कौन कौन है सांसद कांग्रेस से, उम्मीदवार कौन है? दीपेंद्र है। दीपेंद्र हुड्डा। आप पसंद करते हो दीपेंद्र हुड्डा को? हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों पसंद करते हो? उसका यो कारण है, मतलब कहीं पर भी आओ, कोई वो कौन, उसका हाथ पकड़ो, काम करवाओ। काम करते हैं दीपेंद्र हुड्डा। आपकी भी वोट है? जी नहीं। वोट है? जी नहीं। नहीं है। आपकी वोट है भाई साहब? सह भाई कई साल से हर दीपेंद्र के अलावा वोट ना गेरा था, एमआई गाड़ा और से बीजेपी वाला और से चोटाला वाला और से क्यों आओ। बहुत बढ़िया, ये तो सब क्यों, वो सारे दीपेंद्र के फैन है आप? अरे फैन के होगा, दीपेंद्र ते बढ़िया, हमारा एरिया हम आदमी को नया। बहुत बढ़िया। अच्छा, दीपेंद्र ने खूब काम कराया आपके? खूब कराया, इतना तो किसने ना कराया। तो इस बार आपके गांव में कितनी वोटें हैं, ज्यादातर गांव का रुझान? आसनी गांव का हूं भाई। जी जी। वोट तो रोहतक में होगी आपकी? रोहतक में 3,500 पर्ची है जी। चौगरदू का जोर लगा तो आज में 1,00,000 ही लगा हमारे गांव में। दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप नाम सर, अगर रिजल्ट आओ जब देख। दीपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल जी जी जी। दीपेंद्र हुड्डा जी, आपकी वोट है? हाँ जी। आपकी पहली बार वोट दोगे? हाँ जी। किसको वोट दोगे? दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। इनकी सुन के कह रहे हो, अपने मन से? अपने मन से कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है दीपेंद्र हुड्डा? अच्छा लगता है। क्या खास बात है भाई साहब? बहुत काम करवा रखे है, बहुत मतलब अच्छा आदमी है, कोई काम कहता तो मन मना नहीं करता किसी काम को। विनम्र स्वभाव है। हाँ जी। मिलनसार भी है। हाँ जी। आप कभी मिले हो दीपेंद्र हुड्डा से? हाँ जी, कई बार मिले हुए हैं। हमारे गांव में कोई प्रोग्राम वहाँ भी मिले, स्पेशल कोठी ऊपर भी मिले हुए हैं। कोठी कहाँ है दीपेंद्र हुड्डा की? दीपेंद्र हुड्डा की तो मान ली दिल्ली में है। हाँ। वहाँ भी पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र इकट्ठे मिले थे। वेरी गुड जी। दीपेंद्र तो नहरी की ही ना ये ना। अच्छा, आप भी दीपेंद्र के फैन हो? बिल्कुल। दोस्त, क्या खास बात लगी युवा, सारे युवा दीपेंद्र का नाम ले रहे हो? भाई वो सांसद बढ़िया है, इसके टक्कर का मोदी भी नहीं है। इसके टक्कर का मोदी भी नहीं है। मोदी भी उल्टा हट गया, कोई टिकट देने के लायक नहीं मिला बीजेपी पार्टी में। किसको टिकट दे? वोट है वही जीता था। दीपेंद्र को भी है दंगल का माजिया। दीपेंद्र ने कोई आओ मेरे सामने, मोदी भी टिक गया, दीपेंद्र के हड़ पक्के। आपका क्या नाम है सर? अमरदीप खत्री। अमरदीप जी, कौन सा गांव है आपका? कोलासी। कोलासी। अच्छा, कौन होना चाहिए सांसद आपका यहाँ से? सांसद देखिए कोई भी हो, लेकिन मोदी जी को वोट जाएगी यहाँ से। अच्छा जी। ये इसलिए है, काफी कुछ बदला हुआ है यहाँ पर जी, और जैसे 5,00,000 का बीमा हो गया और कुछ हो गया, अभी ये है ना भूल गए सब जी। जैसे पैसे आज से 5 साल पहले सिलेंडर की लाइन में लगते सब भूल गए। किसी से पूछ लो, अगर 5 साल पहले सिलेंडर इनको मिलते, सिलेंडर आ रहे, सभी सुविधाएं हो रही है तो भूल गई है। ठीक है, इस वजह से मैं तो चाहूंगा कि दोबारा से बीजेपी आए और सेंटर में आए, लेकिन स्टेट के लिए कांग्रेस हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ठीक है, सेंटर के लिए मोदी ठीक है? देखिए, सेंटर के लिए तो बीजेपी है और स्टेट के लिए हमारे लिए कांग्रेस है। जी 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 जी। दोस्त, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं है जी, नहीं बताना चाहते जी। क्या कह रहे थे? दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र। दीपेंद्र को पसंद करते हो? पसंद है, वो तो छोरा खास है, उसी की वोट दोगे? वोट और भी बनावा है 15-20 कट्ठी जी।
दीपेंद्र को लेकर के उत्साह है। जी हाँ, दीपेंद्र को लेकर के, देखिए इस समय हम यहाँ गांव में मौजूद हैं। जी हाँ, गांव के आम आदमी से हम बात करना चाहते हैं, लोगों के विचार जानना चाहते हैं। लोकतंत्र है, सभी वोट दें, अपनी वोट जरूर दें, अपनी वोट पर आपका अधिकार है, लेकिन हम केवल आपके विचार जान रहे हैं। क्या नाम है बाबू जी? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, कौन है आपकी पसंद, कौन सांसद होना चाहिए? यहाँ के पसंद है दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, हाँ जी। अच्छा, क्या खास बात बताइए दीपेंद्र हुड्डा की? सुशील है, बर्ताव आम आदमी की सुनता है, उसने काम करवाए हैं, जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहेगा। जो खूबियाँ के सांसद होनी चाहिए वो खूबियाँ दीपेंद्र हुड्डा के अंदर है। जी जी, बढ़िया नेता है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लाखों वोटों से जीतता आ रहा था, पिछली बार भी 2.25 लाख वोट से जीता था, इस बार आपका क्या अनुमान रहेगा? 3 लाख वोटों से जीतेगा। आपकी 3 लाख वोटों से जीतेगा? जीतेगा जी जी, 3 लाख वोटों से जीतेगा। आपकी क्या राय है, कितनी वोटों से जीतेगा? 3 लाख वोटों से जीतेगा। 3 लाख से? हाँ, ऊपर जीतेगा। 3 लाख से? 3 लाख से ज्यादा जीत सकता है? ज्यादा, 100 की 100। ज्यादा नहीं, 3.5 जाएगा। 3.5 हो सकता है? हाँ जी भाई, 3.5 हो सकता है भाई, इतना नहीं बेरा, पर कांग्रेस की ज्यादा है, पर जीतेगा वो, जीत तो जरूर जाएगा। अच्छा, क्या खास बात है, सब कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हो? यो काम करता है, काम कर रहा है, हमारे एरिया का है, इतना काम कर रहा है हमारे एरिया में, ज्यादा इतना किसी ने नहीं कर। एम्स को लेने वाला, मेट्रो को लेने वाला, एम्स को वार्ड से लेने वाला, बाहर में मेट्रो लेने वाला, एजुकेशन हब को बनाने वाला, सब काम, रोड बनाने वाला, सारे काम है। और तो ऐसा है, वो जनता ही सुनता है, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो काबिलियत है, इसलिए उसको वोट दे रहे हैं। अरे ईमानदार है। क्या कहेंगे? किसको? बीजेपी ने देंगे भाई। बीजेपी ने दोगे आप? हम भी बीजेपी ने देंगे भाई, हम तो बीजेपी की देंगे वोट। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप भाई साहब? बीजेपी ने भाई, कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस चोर है जी। और देखिए इस तरह से आम आदमी की राय हम जानना चाहते हैं। जी हाँ, लोगों से जुड़कर। जी जी, आपका मत इस बार लोकसभा चुनाव में किसको जा रहा है? मोदी को जा रहा है जी। अच्छा, क्या खास बात है? खास बात देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। जी, देश के लिए सीमा को बहुत कुछ किया है उन्होंने।